हे hey गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर, और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। लेवेंडर एक बहुत ही लोकप्रिय हर्ब है जो अपनी खुशबू और खूबसूरत बैंगनी फूलों के लिए जाना जाता है। ये मूल रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पौधा है, लेकिन अब दुनिया के कई हिस्सों में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। लेवेंडर का उपयोग अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है। इसको खाना पकाने और प्राकृतिक उपचार के रूप में भी यूज किया जाता है। कुल मिलाकर लेवेंडर एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसको अब गार्डनिंग में भी यूज़ किया जा रहा है। बीजों से लेवेंडर को उगाना बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है, पर साथ ही साथ ये बहुत मुश्किल भी है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि लेवेंडर को आखिर बीज से कैसे उगाया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हमें बीजों को लगाने के लिए तैयार करना होता है। लेवेंडर के बीजों को कोल्ड स्ट्रेटिफाइड करना होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन है क्या। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर बीजों में अंकुरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ समय के लिए बीजों को ठंडी और नम स्थिति में रखते हैं। ऐसा करने पर आर्टिफिशियल सर्दियों की स्थिति बन जाती है, जो कई तरह के बीजों को अंकुरित होने के लिए ज़रूरी होती है। तो बीजों को ऐसी स्थिति पर रखने पर बीज की प्राकृतिक निष्क्रियता, जो उसकी डोरमेंसी है, वो टूट जाती है। इससे ये बीज अंकुरित हो जाता है और सही समय आने पर वो बढ़ने भी लग जाता है। आज 10 जून है, तो ये लेवेंडर के सीड्स हैं। ये मैंने मिस्टर अभिन से खरीदे हैं। अगर आप भी चाहते हैं उनसे बहुत ही कम प्राइस में लेवेंडर या काफ़ी और तरह के बीज लेना, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनका व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और शायद आपको स्क्रीन पर भी अभी शो कर रहा होगा। जैसे कि आप भी देख पा रहे होंगे, लेवेंडर के बीज बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें सतह पर बोया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उनको पॉटिंग मिक्स के ऊपर ही डालना है। उस बीजों को किसी भी तरह से ढकना नहीं है, ना उनके ऊपर पॉटिंग मिक्स डालनी है या मिट्टी वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं डालनी। तो मैं यहाँ पर ये पेपर टॉवल यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले इसे थोड़ा सा भिगो लेते हैं। अभी बीजों को पाउच में से निकाल लेंगे। अब इन बीजों को इस टॉवल के ऊपर सिर्फ डाल देना है, इसको कवर नहीं करना, वरना जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। अब इस पेपर टॉवल को मैं इस प्लास्टिक बैग के अंदर रख दूंगा और इसे सील कर दूंगा। अब इस बैग को आपको फ्रिज में रखना होगा, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0.5 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच हो, या 33 से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। लगभग 4 से 6 हफ्तों के लिए इन बीजों को फ्रिज में ही रखना होगा। बीच बीच में आप इनको चेक कर सकते हैं। आज 20 अक्टूबर है, मैं इन बीजों के बारे में बिल्कुल भूल गया था। तो सुबह ही ये मुझे कंटेनर दिखा, कुछ एक स्प्राउट्स दिख रहे हैं। इसको अब हम खुले में ले आके देखते हैं एक बार। यानी इस पेपर टॉवल को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस पेपर टॉवल को शायद कुछ ज़्यादा ही भिगो दिया था, जिस वजह से इस पर मोल्ड ग्रो हो गया है, या फिर मैं किसी फंजीसाइड का भी यूज़ कर सकता था। तो क्लियरली ये मेरी गलती थी। तो लकीली कुछ बीज अब भी बच गए हैं, और थोड़ा ज़्यादा टाइम होने की वजह से बीज जो है स्प्राउट भी कर गए हैं। तो इन स्प्राउट्स को मैं इस छोटे से कंटेनर में लगाऊंगा। सबसे पहले ड्रेनेज के लिए इसमें छेद कर लेते हैं।
तो इस कंटेनर के अंदर मैं पहले से ही नम की हुई पॉटिंग मिक्स भर लेता हूँ। अब बहुत ही सावधानी से एक स्प्राउट को लेकर इस कप में लगा देते हैं। अब बस हल्का सा पानी स्प्रे करना है। अब मैं इस कप को किसी हल्की सी गर्म और भरपूर रोशनी वाली जगह पर रख दूंगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।